एक्सक्यूज मी, मेरे रूम की चाबी चाहिए थी। ओके सर। सर प्लीज सर, थोड़ी हेल्प कर देंगे सर? श्योर। सर घबराइएगा मत सर, मैंने पावर ऑफ कर दिया सर। आइए। मेरे बैग के लिए मुझे उतरना पड़ा ना। नॉट रीचेबल। क्या हो गया? लगता है कचरा जम गया मैडम। एक मिनट। ये कैसा मैजिक है? मुझसे मिलने के लिए तुम्हारी डेस्टिनी ने तुम्हें उसी स्टेशन में उतार दिया जहां मैं उतर गया था। तुम्हें विश्वास हुआ? सुनो ना, मैं गरीब हूं ना। अरे नहीं बोला ना। अरे आओ ना, कोई नहीं दिख रहा है। मर गया और भूत बनकर उधर देखो। प्लीज एक पप्पी मार भी वही रहा है। इस पप्पी एक पप्पी दे दो ना, एक पप्पी। नहीं जेल कोई देख लेगा। लेकिन मुझे चाहिए ना, प्लीज। नहीं जेल कोई देख लेगा ना, प्लीज। लेकिन मुझे चाहिए डार्लिंग, मुझे चाहिए। बेचारा। मुझे चाहिए डार्लिंग। टपोरी करके नहीं जाने काम की चीज है कि नहीं। तू भी लड़की देखी उसे पकड़ लेता है। कौन है? वरुण ये मेरे डैडी है। नहीं नहीं डैडी, कोई बात नहीं है अंकल। मेरी बात सुन ना, पुलिस स्टेशन में कहना। पुलिस की क्या जरूरत है? मेरा फ्रेंड है डैडी, इसकी खबर मैं लेता हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, तुम अंदर बैठो। गड़बड़ हो गई। चाहे तो मेरे बारे में जानते नहीं, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, तुझे तो अंदर करके रहूंगा मैं। तू तो गया। छोड़ो ना डैडी, आप क्या कर रहे हैं? ये तुझे पता चल जाएगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मेरी बात तो सुनिए सर। बदतमीज कहीं का। कोई संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? जो भी लड़की देखी उसे पकड़ लेता है। मुआ।
तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों? डैडी से डर गए क्या? मैं टपोरी हूँ ना, लड़की दिखती है तो पकड़ लेता। तुम लड़की को देखते ही पकड़ लेते हो और मैं लड़के को देखते ही पकड़ लेती हूँ। छोड़ो मुझे। हे! तुमने मेरे डैडी की बातों को सीरियसली ले लिया? उन्होंने सीरियसली कहा तो सीरियसली लूंगा ना। देखो, अचानक उनकी आंखों के सामने उन्होंने तुम्हें मुझे पकड़ते हुए देख लिया, तो किसी भी लड़की के फादर का यही रिएक्शन होगा ना। वैसे तुम मेरे लकी चार्म हो, ये उन्हें नहीं पता है। तुमने उन्हें बताया नहीं? हाँ, उन्हें मैं बताऊं? कैसे बताऊं? हाय डैडी, वरुण मेरा लवर। क्या ये बताऊं उन्हें? जरा सोच कर देखो ना वरुण, उन्हें कैसे बताऊं? क्या हुआ डार्लिंग? क्यों डार्लिंग, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं बोलूं? नहीं बोलूं? तुम्हारे प्यार के बारे में तुमने किसी को बताया नहीं था? ऑलरेडी उन्हें पता चल गया था, इसीलिए मेरे मॉम और डैड मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम पे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तुम अपने पिताजी की जान हो, एक बार उनसे बात तो करके देखो। हाँ सही है कि मैं उनकी जान हूँ, लेकिन मेरी शादी उनकी मर्जी से ही होगी। हे, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। प्यार और शादी, बीच में माँ बाप, वेरी रेगुलर प्रॉब्लम। तुम टेंशन मत लो रम्या, रजिस्टर्ड मैरिज कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रजिस्टर्ड मैरिज? मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके ओके, यू आर फाइन ना? रामा मस्त है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? सर वो क्या इशारा? तुझे उससे क्या, बैकग्राउंड और हिस्ट्री जाने बिना ही अपनी मर्जी से तू किसी भी लड़की के साथ घूम रहा है? चल पुलिस स्टेशन चल, तेरे बारे में क्या वो तो बताइए सर, चुप चाप मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, पुलिस स्टेशन चल के कहना क्या क्या चल मेरे साथ। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी रोक, क्या इशारा कर रहा था? हट सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, उसे यहाँ लेकर आ गया, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है सर। सर कमिश्नर। हाँ सर, ये क्या है सर? हो जाएगा सर, कंप्लेंट लिखवाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या है सर, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो वो फिर से हमला कर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं होगा। वरुण सर वरुण, ऐसा और करवा दो ना प्लीज। ठीक है, अभी इतना ले लेते हैं। तुम दोनों वरुण, ए ए चल जा यहां से, चल यहां से, मैं बोल रहा हूं। आप पैसे क्यों ले रहे थे उससे? पीछे हट, मत लेके चल यहां से। सर उसे छोड़ दीजिए प्लीज। वरुण मेरा, अपने फ्रेंड से कहो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया तो किसने किया है? फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखना गलत है क्या? उनके साथ कॉफी पीना गलत है? आप किस जमाने में जी रहे हैं डैडी? शांति से बात करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। हमने भी अपने तरीके से समझा दिया इसे। वरुण प्लीज, मेरी वरुण हॉस्पिटल चलते हैं प्लीज। वरुण प्लीज, वरुण लॉकअप में, पुलिस स्टेशन में, ये सब क्या है? इस लड़की से शादी करने से अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। ए, ये लड़ाई मेरी और मीरा के पिता के बीच है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? वैसे भी अभी कुछ दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तब देखना क्या होता है। Yeah.
मैं जानता हूँ तूने पुलिस को पैसा दिया था, किसके लिए काम करता है तू? मुझे नहीं पता, बता? मुझे नहीं पता, बताता हूँ, बताता हूँ। वरुण, मेरे डैडी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझसे कसम भी खाई थी, प्लीज विश्वास करो ना। काश मैं तुम्हारा विश्वास कर पाता। ये देखो, मैं सच कह रहा हूँ सर, जो भी पुलिस स्टेशन में हुआ उसके पिताजी के कहने पर ही हुआ सर। फैसला तुम्हें करना है मीरा, मेरी तरफ हो या अपने पिता की तरफ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वरुण, उस दिन तुम गुस्से में चले गए थे वरुण, मैं अपने प्यार की कसम खाती हूँ, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो, प्रॉमिस वरुण। डैडी की जॉगिंग का टाइम हो गया है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। नहीं, तुम अभी जाओ। अरे तुम इतना डरती क्यों? जब वो हमें देखेंगे तो हम परमिशन मांग लेंगे। देखो एकदम परफेक्ट प्लान। ओके ओके, अगर उन्होंने ना कहा तो कह दूंगा रम्या की खबर पहुँचाने के लिए आया था, हम दोनों किसी तरह मैनेज कर लेंगे। ओके ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम पहले बाहर तो जाओ प्लीज, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी अंकल, सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? वो रात भर यही थे क्या? बताओ कब आए तुम? सर, बताओ सर, मेरी बात का जवाब दो, यही थे क्या तुम? बताने का मौका तो दीजिए, एक मिनट सर। कहीं तुमने तो इसे नहीं बुलाया?